प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो कुछ भी वीडियोस हम बना रहे हैं आप उसे देख रहे होंगे, ऐसी उम्मीद हम आप लोगों से करते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका मोस्ट ऑफली हो चुका है और अब आपकी ये सारे एग्ज़ाम में जो आने वाले सवालात है, जो बहुत ज़्यादा अहम हैं, वही सवालात की वीडियोस बनाकर आपको सेंड की जा रही है, ताकि आप इसे अच्छे से देख कर और इसको अपनी नोटबुक में लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। और अभी नए ग्रुप भी बन चुके हैं एजुकेशन को हमारी स्टडी में कैसे चेंजेस लाए, और अभी हम यहाँ आ नहीं रहे तो हम कैसे घर बैठकर पढ़ाई करें, तो इसके लिए जो ग्रुप्स बने हैं तो वो ग्रुप में प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें और जो कुछ टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं उसे मुकम्मल करके उसकी इमेज सेंड करें। आज हम सेक्शन डी पढ़ रहे थे अभी हमारा, और काफ़ी कुछ मैंने सवालत बता दिए हैं, लेकिन फिर से रिवाइज़ करेंगे ताकि आप लोगों के दोबारा जहन नशीन हो जाए और अच्छे से याद रह जाए। तो हमारा पहला सवाल था सेक्शन डी का, आपने देखा था कि एसिड और बेस से रिलेटेड था कि किस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्रावण में आपेल द्रावण में अने यानी एसिड और बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के महलूल की कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं, तो पानी में गैर महलूल कैल्शियम कार्बोनेट जो चूने का पत्थर होता है, जो चूना होता है वो बनता है उसकी, और उसका जो महलूल होता है वो दूधिया रंग का दिखाई देता है। तो उसके जाब्ते के साथ यहाँ आपको बताया गया था ये सवाल में, इमेज में डार्क करती हूँ। इसी तरीके से ये हमारा सवाल था जो मैंने आपको समझाया था कि क्या अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के महलूल में कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारेंगे तो जो रहेंगे उसमें क्या रिएक्शंस होंगे। तो इसके रिएक्शंस हमें पता चले कि जब पानी के अंदर वो गैर महलूल हो जाएगा, इन दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को कहा जाता है। उसकी माँ मिसाल आपके पास असाइनमेंट में भी है और यहाँ पर भी आपको बताया गया था। प्रबल और निर्बल एसिड समझाओ, कवि एसिड और कमज़ोर एसिड के बारे में बताना था। तो जो एसिड पानी में हाइड्रोजन आयन मुकम्मल तौर पर आयनी इंतशार करते हैं तो वो कवि एसिड होते हैं, जैसे उसकी मिसालें दी गई थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मादनियात, एसिटिक एसिड, पानी, ये मुकम्मल तौर पर आयनी इंतशार करते हैं और ये कवि एसिड कहलाते हैं। और जो कमज़ोर एसिड रहते हैं वो पानी में मुकम्मल तौर पर आयनी इंतशार नहीं करते तो वो कमज़ोर एसिड कहलाते हैं। उसके बाद था कि आकाश में मेघधनुष ने निर्माण नी रचना आकृति दोरी ने समझाओ, ये भी बहुत अच्छे से हमने समझ लिया था, दो नहीं तीन चार मरतबा इसका रिवाइज़ हुआ है कि कौशिकज़ा की साख्त कैसे बनती है वो बताना है। तो बताया था कि प्रिज्म के ऊपर जो भी कोई सफ़ेद रोशनी हमेशा ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है, और जब वो सीधी रोशनी ख़त मुस्तकीम में सफ़ेद पर्दे पर पड़कर यानी प्रिज्म पर पड़कर पलटती है, तो पलटने की वजह से जो उसका इनताफ़ होता है, तो वो इनताफ़ जो है हमारी आँखों में जब से गुज़रता है तो हमें उसमें सात रंगों की धनक दिखाई देती है। प्रिज्म में कांच नुमा काम करता है, तो कौशिकज़ा और सूरज की जो रोशनी है वो मुनतिफ करती है, और उसके बाद उसके अंदर मुनकस होकर जब हम उसे देखते हैं तो वो कौशिकज़ा की साख दिखाई देती है। इसी तरीके से बारिश के मौसम में हमें अक्सर ऐसी धनक दिखाई देती है सात रंगों की, तो ये जो धनक दिखाई देती है ये धनक भी इसी तरीके से होती है कि जब बारिश होने के बाद हवा में बारीक बारीक पानी की कुछ बूंदें रह जाती है, इसी वजह से हमें वो हवा नमी वाली महसूस होती है, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो पड़ने के साथ जब वो टकराती है तो वो नन्ही नन्ही पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती है, और इसी तरीके से आसमान में हमें धनक दिखाई देती है। इसकी शक्ल भी यहाँ पर बनी हुई थी। उसके बाद था मूत्रपिंड निर्माण यानी कि नेफ्रन की रचना, हमें बतानी थी नेफ्रन की साख, तो मालूम है कि गुर्दे की जो इखराजी इकाई है उससे बना होता है, जो जिसे नेफ्रन कहते हैं, और एक नेफ्रन
ऊपरी सिरों पर एक प्याली नुमा साख्त रखता है जिसे बॉमेन की थैली कहा जाता है, और जिनमें बहुत सारे शौर्य गुच्छे होते हैं, और वो गुच्छे जो होते हैं वो खून की शौर्य बारीक बारीक गुच्छे जिसमें बारीक बारीक खून की शौर्य नलियाँ होती है जो जिस्म के मुकम्मल फुजला जो पानी के अंदर जो मुकम्मल कचरा वगैरह होता है उसको फ़िल्टर करने का काम करती है, और गुर्दों के ज़रिए फिर वो रेनल शीरिया और खून के साथ मिक्स होकर बेकार मादों को गुर्दों तक लाती है और बाकी का जो अच्छा रहता है वो खून में शामिल हो जाता है। इसकी भी पूरी प्रोसेस आपको दूसरी तीसरी वीडियो में बताई गई है। ये इसकी शक्ल थी कि किसे क्या कहते हैं। घरेलू बरकी सर्किट के बारे में भी बताया गया था कि हमारी घरेलू बरकी सर्किट जो है वो ज़मीन के अंदर केबल या ऊंचे खंभों में तारों से आती है। ये पता ही है कि ज़मीन के अंदर जो मजबूत और मनफी तौर पर लिया जाने वाले जो तार रहते हैं वो एक तरीके का अलग अलग कलर के तार रहते हैं, और उसके अंदर जो मनफी और मजबूत तार जो रहते हैं जैसे कि खंभों में तारों से आती है, और सप्लाई में एक ज़िंदा तार होता है जैसे मजबूत और एक मनफी। तो लाल रंग का जो प्लास्टिक उस पर चढ़ी होती है मजबूत तार पर, और दूसरे तार पर काले रंग की प्लास्टिक चढ़ी होती है तो वो मनफी रहता है। जो अर्थिंग का काम करते हैं जो ज़मीन में कई गड्ढा गोद कर उसमें नमक और ऐसे बहुत सारे अशिया सर्किट वगैरह डाल कर वहाँ करंट पैदा किया जाता है ताकि कोई भी बड़ा हादसा होने से घर में बचे। और हमारे घर में जो वोल्ट आता है वो 220 वोल्ट का फ़र्क रहता है। हर एक अलग अलग स्विच के एम्पेयर अलग होते हैं, जैसे कि जिसमें हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं फ़ैन और कुछ भी, तो वो 5 एम्पेयर के स्विच रहते हैं। तो इस तरीके से, और जो हमारा वॉशिंग मशीन फ्रीज रहता है उसके 15 एम्पियर के स्विच रहते हैं, तो ये करंट का भार उठा सके ऐसी इसकी सिस्टम होती है घरेलू बरकी सर्किट की। तो इस तरीके से ये तार जो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, घर में हर एक आले के लिए एक लाहिदा स्विच होता है जो जिसे ज़िंदा तार से मुंसलिक किया जाता है। और इस किस्म की वायरिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि किसी हिस्से में बरकी रो का बहाव हम रोक भी सकते हैं, और किसी हिस्से में बरकी आलात को हम यकसा वोल्टेज पर चला भी सकते हैं। जैसे कि हम एक रूम से दूसरे रूम में जाते तो वहाँ की लाइट बंद कर देंगे, फ़ैन बंद कर देंगे, तो दूसरे रूम की लाइट फ़ैन शुरू रहेंगी, वहाँ पर वो बंद नहीं होंगी। तो ये फ़ायदा रहता है घरेलू बरकी सर्किट का कि जिससे हम मनचाही चीज़ों का बंद कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। अब आता है इंसानों में तौलीद। अब इंसानों में तौलीद जो है आप लोग जानते ही हैं इसके बारे में काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा जाता है मानवमलिंगी प्रजनन सवाल आता है सेक्शन डी में। तो इंसानों में तौलीद जो है बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होती है। तौलीद होती है तो ही तो हम अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ महसूस करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं तमाम चीज़ें हमें कैसे पता चलती है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है फिर वो पहले क्या करता था, वो पहले कुछ खाता पीता भी नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ देखता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती रहती है। तो इंसानों में तौलीद बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों में देखो तो एक एज का डिफरेंस चलते रहता है, छोटे से लेकर बड़ा, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ। तो ये जो सिस्टम है ये तौलीद का सिस्टम ही है जो इंसानों में लगातार चलते रहता है। मर्द और औरतों में तौलीद जो है साख्ते अलग अलग होती है। मर्द का तौलीदी निज़ाम अलग है, औरतों का तौलीदी निज़ाम अलग है, इसलिए मखसूस किस्म की मर्दाना तौलीदी निज़ाम और औरतों के तौलीदी निज़ाम जो है वो अलग अलग वजूद में आए हैं, यानी दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो तौलीदी निज़ाम भी इनके बिल्कुल अलग अलग है। इंसानों की ज़िंदगी में एक मखसूस उम्र यानी कि एक उम्र में पहुंचता है इंसान, तो उसकी जो सने बलोगत यानी जितनी उसकी उम्र होती है तो वो वहाँ पर पहुँच कर तौलीदी निज़ाम का काम अंजाम देने के काबिल हो जाता है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर एक मैच्योर हो जाता है। तो जैसे 13 या 14 साल की उम्र में औरतें 10 से 12 साल की उम्र में अहदे बलुगत यानी सने बलुगत की उम्र में पहुंच जाते हैं, जैसे बड़े हो जाते हैं। सने बलुगत की उम्र पर पहुंचने पर मर्दाना मौलिद मनवीय स्प्रम पैदा करती है और जनाना बैजा ओवर पैदा करती है। जैसे कि देखो अभी ये तौलीदी निज़ाम है तो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जनरेशन जो हमारी बढ़ती है, प्रोसेस जो हमारी आगे की चलते रहती है, तो ये चलते रहने की प्रोसेस में तौलीदी निज़ाम जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और इसी की वजह से आबादी जो है हमारी
जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती है। तो सनेबलोगत यानी जब लड़का जब 13-14 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और चेंजेस में उनके अंदर स्पर्म पैदा करने लगते हैं और औरत के अंदर जो है बेजा दान तैयार होने लगता है, जिसे मर्दों में इंसिए पैदा होते हैं और औरत में बेजा खाना पैदा होता है। और जब वो काबिल नमू पैदा करने के अलावा हार्मोन भी पैदा करते हैं जिसे टेस्ट्रॉन, जो इंसिए खारिज होने वाला मर्दाना सेक्स हार्मोन होता है, और इस्ट्रोजन जो औरतों के अंदर जनाना सेक्स हार्मोन को पैदा करते हैं। तो इस तरीके से तौलीदी अमल में हार्मोन बहुत अहम किरदार अदा करते है, जैसे कि मनवीय और बेजे की तशकील में बाकायदगी पैदा करते हैं, सनफी आज़ा साख्त और अफाल बरकरार रखते हैं, सानवी सनफी खसूसियत को फ़रोग देते हैं, जैसे चेहरे पर माहवारी, ज़ेर नाक बालों का उगना और आवाज़ का बारीक या मोटा होना और पिस्तानों के गुदूद का फ़रोग पाना। ये तमाम चीज़ें जो चेंजेस होती है ये मर्द और औरत दोनों के बताए गए हैं कि दोनों जब सने बलूगत यानी 13-14 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उनके अंदर इतने सारे चेंजेस एक साथ होते हैं कि मर्द के अंदर आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ के बालों का निकलना, औरतों के अंदर जो है हाइट का बढ़ना, पिस्तानों का बढ़ना, गुदूद का पैदा होना, और दूसरी बात कि उनकी आवाज़ का पतला होना और महावारी की शुरुआत होना। तो ये जो है बहुत सारे चेंजेस एक ही वक्त में 13-14 साल की उम्र में सने बलोगत में पहुंचते हैं जो उनके तौलीदी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर पक्का करता है और यहाँ पर से उनके तौलीदी निज़ाम की मुकम्मल शुरुआत होती है। तो इस तरीके से तौलीदी निज़ाम के बारे में आपको बताया गया। कुछ सवालात हो तो आप पूछ सकते हो और कुछ भी डाउट्स हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल इंशाल्लाह इसके आगे देखेंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा बोल रही हूँ कि मैसेज करके पूछेंगे, और जो होमवर्क दिया जा रहा है ग्रुप में बराए मेहरबानी उसके ऊपर ध्यान दो और उसे मुकम्मल तरीके से करेंगे और टीचर्स को इमेजेस सेंड करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।